अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फजर का टाइम है और नमाज़ अदा मैंने कर ली थी, और बस नमाज़ के बाद थोड़ी सी तस्बीह करूँगी। और आज तो सुबह के टाइम इतना ठंडा पानी आ रहा था कि मुझे जो है ना, आज मैंने गीज़र ऑन किया वज़ू के टाइम पर। बात हो गई है और गाड़ियाँ आ जा रही हैं, काम लोगों के जो हैं दिन के साथ शुरू हो गए हैं, हल्का हल्का दिन भी निकल रहा है। अल्लाह ताला खैर का दिन निकले, खैर का दिन गुज़रे, आमीन। हम सब के लिए खैर व बरकत वाला हो वाले। और अभी तक पूरा दिन नहीं निकला, रोशनी नहीं हुई, तो ये जो है ना फ़र्क पड़ गया काफ़ी। यहाँ पर दोपहर के खाने का टाइम हो गया था और हस्बैंड बाहर से लेकर आए थे राइस, तो अभी और अभी ओपन करती हूँ, देखती हूँ कि कौन से वाले राइस लेकर आए हैं। अच्छा जी, ये थे मंदी थी, चिकन मंदी, और साथ ये देखें इसके ऊपर नूडल्स होते हैं, मैक्रोनी होती है, और इस तरह ज़ाफ़रन का कलर होता है, और चावल बिल्कुल वाइट होते हैं। मैंने अपने लिए यहाँ पे चाय रखी है शाम की, और साथों साथ जो है ये फीडर बनाना है, तो मैं उसको भी थोड़ी सी दूध पत्ती दूँगी। खांसी की वजह से खाली दूध नहीं दे रही, शहद डाल के दूध पत्ती में उसको फीडर में देती हूँ। सौंफ डाल दूँगी, दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, उसको दूंगी अहमद को फीडर में। ये शहद है, ये डाल के फीडर में इसको। चाय मेरी हो गई है रेडी, अपनी शाम की चाय जो है इस प्यारे से व्यू के साथ एंजॉय करते हैं। बादल आए हुए हैं आज भी, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ना, थोड़ी देर जो है ना माइंड फ्रेश हो जाता है यहाँ पर खड़े होकर, साथ साथ अगर चाय हो तो क्या कहने। कल मेहमान ये पहने गए, मेहमान के मैंने कपड़े प्रेस कर दिए हैं, अपना मैंने ये वाला ड्रेस प्रेस करके हैंग कर दिया, और हस्बैंड के भी ये वाले कपड़े निकाले हैं। बाकी ईमान सफाई कर रही है, बस ईमान सफाई करके जो है ना आप सो जाएगी, अहमद सो गया है। हाँ, बारिश रुक नहीं रही, मुसलसल बारिश हो रही है, बस अब सर्दियाँ आ गई है ना, बस यही शुरुआत है ना सर्दियों की। आहिस्ता आहिस्ता जो है ऐसे ठंडा होती जाएंगी रातें भी और दिन भी। चलो आप इतनी की सफाई कर लो, ठीक है, मैं थोड़ा जो है ना बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको, बाहर दिखाती हूँ। आज जो है ना मुसलसल बारिश, अच्छी खुशबू आ रही है, जब भी बारिश होती है ना, क्या कहते हैं, मिट्टी गीली होती है, मिट्टी की काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, क्या अभी भी बारिश हो रही है। ये है जी नेक्स्ट डे की वीडियो, और अभी जो है ना असर नहीं हुई थी, हाँ अभी असर नहीं हुई थी, हम लोग जा रहे थे बच्चों की दादी के घर, क्योंकि हमारे जो है ना मेरे हस्बैंड की जो चाची आई हुई थी पाकिस्तान से, तो वो जा रही थी आज दुबई अपनी बेटी के पास, और इनका जो मदीने में स्टे था वो पूरा हो गया था, आई थिंक 10 दिन थे उनके पास, तो अभी वो जा रही हैं वापस दुबई, और बाकी फैमिली अभी यहीं हैं। तो बस अभी हम बैठे हुए थे उनके साथ ही, यहाँ पर बातें वगैरह हो रही थी, और क्योंकि एक दिन बाद फिर उनकी फ़्लाइट थी, चले जाना था उन्होंने, तो हमने कहा चलें साथ जो है थोड़ा सा वक्त गुजार लें, और यहाँ पर अहमद की मस्तियाँ हो रही हैं बच्चों के साथ।
बस इसीलिए रात को जो है ना मैंने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे, क्योंकि या तो वो हमें मिलने आती या फिर हम मिलने जाते, तो फिर हमने कहा चले हम मिलकर आते हैं उनसे। और बस अब शाम हो गई थी, वापस घर जा रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी ना हस्बैंड की तबीयत डिस्टर्ब हो रही थी, तो उनको हो रहा था ज़ुकाम, और ज़ुकाम की वजह से जो है ना काफ़ी उनकी ना तबीयत ख़राब हो रही थी, सर में भी दर्द हो रहा था। तो फिर उन्होंने कहा बस घर चलते हैं अब, और फिर हम वापस जो है ना घर आ गए थे, असर को गए थे और मगरिब के बाद हम लोग आ गए थे घर वापस। बस अभी घर जा रहे हैं और फिर घर जाके देखते हैं जी आगे की क्या रूटीन है। हम आ गए थे घर मगरिब को और अभी जा रही हैं ईमान ऊपर छत पे साइकिल चलाने के लिए। मैं जा रही हूँ ईमान को छोड़ने, क्योंकि जो है ना ईमान को पता नहीं लग रहा कि लाइट कहाँ से चलेगी, ऊपर अभी कोई भी नहीं है। मैंने कहा ये है जी हमारे घर की छत, और मैं भी जो है फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, बच्चे पहले आए हुए हैं बाबा के साथ, और काफ़ी अच्छा लगा ऊपर आकर छत पे। और ये देखें हरम के, माशाल्लाह हमारी घर से तो सिर्फ एक मीनार नज़र आता है ना, लेकिन यहाँ से 3-4 मीनार नज़र आ रहे थे हरम शरीफ के। देखें मैंने अभी ज़ूम किया है, तो ये जो है ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और चाँद देखें, दूसरी खूबसूरती ये देखें चाँद की, चाँद भी माशाल्लाह जो है ना बहुत प्यारा लग रहा था। कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहती, रेडी हो गए बच्चों के लिए। मैंने उनके लिए एग भी बॉयल किए हैं, अंदुमी के साथ खाएंगे। तो ये बाबा को दिया और आपकी मैं अभी छिलका उतार दूँ, फिर आप अपनी ले जाओ बाबा को। ये ईमान की है और ये थोड़ी सी अहमद की, पता नहीं अहमद खाता है कि नहीं खाता। आ जाओ एक तो खा लो, एक। यस बेबी, बेबी चुप चुप। मैंने कहा मुझे तंग ना करे, इसलिए मैंने इसको टॉयस दे के अपने पास से बिठा लिया किचन में। जी ओपन कर दो। तो मैं रात के खाने में बनाने लगी हूँ कड़ी। हस्बैंड ने फरमाइश की है कि मुझे खाने हैं पकौड़े, क्योंकि कल परसों से जो है ना बारिश हो रही है। तो मैंने कहा चलें अगर खाली पकौड़े खाने हैं तो मैं चलो कढ़ी भी बना लेती हूँ, खाना भी बन जाएगा रात का, आपको मैं पकौड़े भी बना दूँगी। यहाँ पे मैंने मसाला जो अच्छे से भून लिया, और यहाँ मैंने इसका मिक्सचर भी रेडी कर लिया बेसन का और लस्सी का। अहमद ने शोर मचाया हुआ है। बेसन जो है सुबह ही ले आए थे पकौड़ों के लिए। मसाला बड़े अच्छे से हमारा तैयार हो गया है। पकौड़े मैंने सारे निकाल लिए हैं कड़ी के लिए। यहाँ पे चावल भी दम पे हैं, ये हो गए हैं चावल भी रेडी। और ये हमारी जो है ना कड़ी हो गई है रेडी, इसकी फाइनल लुक है, तड़का भी लग गया है। तो अब मैंने डाले हैं चावल, अब चावलों के ऊपर डालते हैं कड़ी और खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। इतने शौक से जो है हस्बैंड ने पकोड़े बनवाए, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने नहीं खाए, वो सो गए थे, खाना भी नहीं खाया, बस बच्चे और मैं यहाँ पर खाना खा रहे हैं।
इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।